पायल मलिक ने बता दिया है अरमान का सच। जी हाँ, बात करते हैं क्या बोला है पायल मलिक ने अरमान के बारे में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीवी सफर। सो फाइनली गाइस हुआ कुछ ये, यानी कि आपको पता होगा कि पहले से इविक्ट हो चुकी है पायल बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से, और इविक्ट होने के बाद फाइनली वो सारा का सारा सच बता रही है। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि जो अरमान ने दूसरी शादी करी है वो अनफेयर किया है। जी हाँ, उन्होंने उनके साथ अनफेयर किया था। मैं नहीं चाहती थी वो दूसरी शादी करे, और करने के बाद उनने मेरे साथ बहुत ही गलत की है, और इसके साथ ही साथ मैंने एक साल के लिए उनसे मुक्ति भी ले लिया था, यानी कि मैं उनसे अलग भी हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। मेरे को कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए नहीं था, इमोशनली सपोर्ट करने के लिए नहीं था, इस वजह से मेरे को उनके पास जाना पड़ा। जी हाँ, वेल ऐसा बोला है पायल मलिक ने, और पायल मलिक ने एक और सच उन्होंने बता दिया है। जी हाँ, वेल उन्होंने ये बताया है कि कृतिका और पायल की शादी से पहले उनकी पहले भी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। जी हाँ, यानी कि तीसरी शादी भी उनकी हो चुकी थी, और उसके साथ उन्होंने डाइवोर्स कर लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने शादी की है पायल से। जी हाँ, वेल सारा का सारा सच बता दिया है पायल ने। वेल अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब अरमान क्या करने वाले हैं। वेल आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता है कॉमेंट करके बताना जरूर, और ऐसी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।